बुरासा में रैपिड एक्शन फोर्स की डेल्टा 107 बटालियन ने क्षेत्र के संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों की जानकारी ली। आरएएफ के 54 जवानों की कंपनी ने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी एकत्र की। क्षेत्र की जनसंख्या, साक्षरता दर, असामाजिक तत्व, सामुदायिक दृष्टि से संवेदन अति संवेदनशील इलाकों तथा बलवाई दंगाइयों की सूची तैयार की। ऐसा करने से भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना या सांप्रदायिक तनाव और दंगे की स्थिति निर्मित होने पर उस पर नियंत्रण किया जा सके। इस परिचय अभ्यास में पुलिस के साथ मिलकर किस तरह कार्य करना व सामाजिक लोगों के साथ मिलकर आपसी सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इस पर भी विचार विमर्श किया। बुरासा थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बटालियन के उप कमांडेंट पंचम लाल को क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उप कमांडेंट पंचम लाल ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के आदेश अनुसार बटालियन के प्लाटून कमांडर जगदीश प्रसाद के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र व संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना हो जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कभी यहाँ चुनौती की जाती है तो आसानी से क्षेत्र में शांति बहाल हो सके, इसलिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस बटालियन में एक राजपरित्र, 10 अधीनस्थ अधिकारी व 43 सैनिक मौजूद है। कुल 54 जवानों की यह बटालियन है। थाना परिसर में एक साथ आरएएफ के जवानों के साथ आरएएफ के उप कमांडेंट पंचम लाल व थाना प्रभारी हितेश पाटिल द्वारा थाना परिसर में पौधारोपण भी किया गया। ये जो है डेल्टा 107 की एक प्लाटून यहाँ पे एमएचए के गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे परिचय अभ्यास के लिए आए हुए है। ये एक रूटीन अभ्यास है जिसमें कि जो है यहाँ पे हम जितने भी सेंसिटिव थाना क्षेत्र और हाइपर सेंसिटिव थाना क्षेत्र हैं उसका जो है देवास जिले का पूरा हम लोग एक रेखाचित्र और मानचित्र से अपना मैपिंग करेंगे कि यहाँ का वर्तमान में डेमोग्राफी कैसा है, सांप्रदायिकता का जो है क्या हिसाब किताब है और सारी चीज़ों का एक बार जो है हम लोग लोगों का रहन सहन से लेकर लिटरेसी रेट सब कुछ मूल्यांकन करते हैं। भविष्य पूर्व में हुए दंगे या कोई सांप्रदायिक तनाव या उपद्रव उसकी सूची तैयार करते हैं और जिसको जो है पूरी मैपिंग करने के बाद जो है एक इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके हिसाब से यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का दंगा उपद्रव या बलवा होता है तो उसको कैसे कम से कम समय में नियंत्रित कर सकें एवं और शांति एवं अमन कायम कर सकें उसके लिए एक पूरी योजना तैयार की जाती है। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सर बुरासा नगर बात बता रहे थे तो क्या आयोजन था यहाँ पर? आज जो है हमारे यहाँ जो है ये सारी जानकारी इकट्ठा करना प्लस जो है हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। यहाँ पे जो है पर्यावरण से भी हम लोग जो है बल जो है इसके लिए भी बहुत ही समर्पित रहता है। इस संदर्भ में हम लोग वृक्षारोपण का भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। सर आपका नाम और पता? मेरा नाम पंचम लाल, उप कमांडेंट 107 RF। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की ये रिपोर्ट।